أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالي اپ سب کا الله تعالى اپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امين اج کے کلاس میں ہم سبق نمبر 30 پڑھیں گے जिसमें अगले पाँच हरूफ मुराकबात को पढ़ेंगे तो क्या आप सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए शुरू करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि आज की क्लास का कौन सा हर्फ है पहला जी आज हम प से शुरू करेंगे प प मोटा है तो और तो बड़ी शक्ल का लिखा हुआ है तोा के साथ और कोई हर्फ नहीं मिला हुआ तो 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 अगला हर्फ़ अगला हर्फ क्या है ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है बहुत ही आसान है और अकेला लिखा हुआ है बड़ी शक्ल का है और तौ की शक्ल से मिल रहा है फ़र्क क्या है नुकते का फ़र्क है जी ये है व क्या है ये व व के ऊपर नुकता है जी तो के ऊपर है नहीं तो खाली है और व के ऊपर एक नुकता है व अगले दो हरूफ पहला सौद 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 के साथ ब तो दोनों हर्फ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सौद ब अगले दो हरूफ पहला हर्फ कौ तो, कौ तो, तो के साथ कौन सा हर्फ मिला हुआ है जिस हर्फ के नीचे एक नुकता है जी बा बा बाकी यहाँ पे बड़ी शक्ल है बा तो क्या बना तो बोअ तो को मोटा करेंगी और बा को बारीक रखेंगे तो, बा, तो बा। अगले दो मरूफ पहला हर्फ बौद 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 के साथ एलिफ एलिफ तो दोनों हरूफ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बौद एलिफ बौध एलिफ शुरू से पौ बे, बौध एलिफ आज का सबक हम यहाँ तक रखेंगे سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته